हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने का अग्रसर। मैं सोनिया सतानीता आप सबका घना स्वागत करूं सु मारे सांझ के सेड़े की खबरों में। तो चलो चोगर देखिए इन खबरों की शुरुआत करा। चरखी दादरी में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने देर सांझ ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। वनू बोले कि जेजेपी ने अपने स्वार्थ खातर गठबंधन करके बीजेपी तक जीवनदान दिया है और न्यूबी कहे आके गठबंधन सरकार ने गांव तक ठेके बंद करे से लेकिन घर घर ठेके बनवा दिए। सरकार इस पर पुनर्विचार करे जब यह नीति युवाओं ने नशे की लेकर जाएगी। जिसके बाद उन्हें कृषि मंत्री जेपी दलाल के दावे पर भी पलटवार कराया। उन्हें कहा कि किसानों की आय कहने तो नहीं बल्कि फसलों के भाव दो गुणे करने तक बढ़ेगी। इस सरकार में किसानों की आय बढ़ना तो दूर लेकिन किसानों की लागत दो गुणा हुई से। आज किसान हर तरीके से परेशान है। छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी की वजह से परेशान है। तो ये जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई जिसकी वजह से इतनी रिकॉर्ड बेरोजगारी, छोटा व्यापार पर व्यापारी परेशान, मजदूर किसान परेशान, बजट ऐसा दिया जाए कि हरियाणा दोबारा से विकास के रास्ते पे आगे बढ़े, निवेश के द्वार खुले हरियाणा में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। गठबंधन सरकार बनी हरियाणा में, ये तो बिल्कुल ही खुले तौर पे झूठ और लूट खसूट की नीयत से गठबंधन बना ऐसा दिखाई देता है। यही इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही झूठ और लूट खसूट है। इनकी नीयत, ये छः महीने भी नहीं हुए मगर जो इनकी नीयत सामने आ रही है वो बड़े चिंता का विषय है कि इनकी नीयत ठीक नहीं दिखाई देती। कि क्या काम किया है, किसान की फसल का भाव तो बढ़ाया नहीं, किसान को फसल का भाव मिला नहीं। 10 वर्ष की हुड्डा सरकार के समय लगभग हर फसल का भाव दुगना और तिगना करने का काम हुआ था। इन्होंने तो मात्र 5% 6% बढ़ाया और कई जगह तो वो भी नहीं बढ़ा, 2-3% बढ़ोतरी मिली और जबकि लागत में लगभग दुगनी वृद्धि। नारनौंद के राखीगढ़ी गांव में इतवार ने पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभ्यता की कई साइटों का दौरा कराया। इस दौरान पत्रकारों के लाभ करते हुए उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी मड़पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में पर्यटन क्षेत्र तक 2500 करोड़ और संस्कृति मंत्रालय तक 3150 करोड़ जो रुपये से वो बांटे गए सर। प्रस्ताव के बाद देश में जो धरोहर है वह विकसित करी जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान 8 नए संग्रहालय का प्रस्ताव और 5 प्रमुख पुरातत्व स्थला के बुनियादी ढांचे ने विकसित करेगा। जिसके बाद उन्हें जानकारी दी सक राखीगढ़ी तावड़े अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर के शामी आवेगा और भारत की गेला गेला विदेशी पर्यटक खातर भी आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। तो वही राज्य मंत्री अनूप धानक ने भी कहा कि राखीगढ़ी ने योजनाबद्ध तरीके से विकसित करण खातर अगले महीने तक दिल्ली में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय की गेला बैठक तय हुई है। इसमें क्षेत्रीय लोगों की पूरी मदद मिल रही है। तो वही सांसद बृजेंद्र सिंह ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत करते हुए राखीगढ़ी के विकास खातर उनकी ओर तक किए गए प्रयासा खातर उनका आभार व्यक्त कराया। अनु बोले कि अच्छी पहल से राखीगढ़ी विश्व विख्यात स्थान है। देश में दो ऐसे स्थान है खास करके धोलावीरा और राखीगढ़ी। जब दुनिया में पश्चिमी दुनिया ये कह रही थी कि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन दुनिया को उनने दिया तो धोलावीरा के एक्सप्रेशन ने इस थ्योरी को बदल दिया और फिर पूरी दुनिया ने माना सिविलाइजेशन में धोलावीरा वो स्थान है जहाँ पर पत्थर से बने हुए मकान उपलब्ध हैं और उनका जो उम्र है वो सिविलाइजेशन की दृष्टि से जो पश्चिम दावा कर रहा है उसके उससे पुराना है। राखीगढ़ी का जो एक्सप्रेशन है ये फिर से दूसरी बार दुनिया की उस थ्योरी को बदल रहा है कि सबसे पुराने हड़प्पन सभ्यता के पहले से भी सिविलाइजेशन था लेकिन जिस निष्कर्ष के बाद में इन चीजों को सुरक्षित रखना ये वास्तव में दुनिया भर के लिए स्मारक है। अर्जुन नगवाणा में 2 साल पहले खराब हुई फसलों का आज तक किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा को न मिला जिसने लेकर नाराज किसानों ने प्रदर्शन कराया। देखो कि मैं कहने लाग रही से किसान जब जब बेमौसम बारिश और ओले पड़े से तो किसाना खातर ये मुसीबत लेकर आते हैं। 2 साल पहले भी बेमौसम बारिश की वजह से गोहाना में किसाना की फसल बर्बाद हो गई थी।
मुआवजे का ऐलान होया लेकिन आज तक इन किसानों ने कोई मुआवजा को नहीं मिला। जिससे नाराज किसानों ने सड़क पर उतर के मुआवजे की मांग करी है। किसानों का कहना था कि दो साल पहले फसल बर्बादी का मुआवजा मिलना था लेकिन वो तो मिलना दूर गया, बल्कि दो चार दिन पहले हुई बेमौसम बारिश ने फसल की बर्बादी पर मुआवजा देने की बजाय कृषि विभाग के अधिकारी कागजा के नाम पर किसानों के चक्कर कटवाने लाग रहे थे। जब किसान एप्लीकेशन देता है अपनी फसल खराबे की और सर्वे करने के लिए आदमी जाता है बीमा कंपनी का, पहले ही किसान के हाथ काट लेता है। किसान अनपढ़ है, भोला, उसको ये मालूम नहीं है कि उसका कितना एरिया दिखाया गया है, कितना परसेंट खराबा दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया। वो बाद में अपनी मर्जी से करते हैं, कितना करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी कि ये अभी हमारी मांग है कि जो भी सर्वे जाए किसान के फार्म जमा करा दे तो तीन दिन छुट्टी थी तो उसमें हमने फार्म लिए थे। फिर भी अगर कोई किसान तीन दिन नहीं आ पाया या मेनली था कि भी बैंक की छुट्टी थी, आज शाम 5 बजे तक अपने फार्म जमा कर सकते हैं। तो सर जो नहीं कर पाएगा उसका नहीं मिलेगा? हाँ, अगर कोई अपनी एप्लीकेशन नहीं दे पाएगा तो उसका सर्वे नहीं हो पाएगा। सर्वे नहीं होगा तो इसका मतलब उसके नुकसान नहीं होगा। एक और बजट और हर मुद्दे पर किसानों ने लेकर बड़ी बड़ी बात दावे और वायदे करे जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करे थे। किसानों ने मुआवजे खातर दर दर की ठोकर खानी पड़ दी थे लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई करने वाला को नहीं दिखता। हरियाणा न्यूज खातर को होना तय सुनिए जिंदल की रिपोर्ट से। भवानी खेड़ा के लोहारी जाटू गांव में एक महिला की गैला मारपीट का मामला सामने आया जिसने लेकर पीड़ित परिवार ने गांव तक पलायन कर लिया और भवानी में अपने रिश्तेदारों का धोरे परिवार चला गया। बता दें कि 19 फरवरी ने सरपंच और उसके साथियों पर एक महिला की गैला मारपीट का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि महिला गांव में कुछ काम करने लग रही थी, उससे टाइम उसका सरपंच गैला विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई। महिला ने आरोप लगाया कि सरपंच ने महिला के परिवार की गैला न केवल मारपीट करी बल्कि घर में बढ़कर तोड़फोड़ करके उनमें घर नजरबंद कर दिए। तो वही महिला ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। आपने बता दिया कि पहले आता पुलिस ने सरपंच के बयान पर पीड़ित परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था लेकिन कुछ संस्थाओं के दबाव के बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया लेकिन ईब परेशान पीड़िता ने अपने परिवार के गैला पलायन भी कर लिया है। पानीपत में एनहांसमेंट की रिकैलकुलेशन ने लेकर सेक्टरवासियों ने हुड्डा विभाग के कार्यालय में धरना दिया। बता दें कि डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा की अध्यक्षता में धरना होया और इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया से एक एचएसवीपी अधिकारी उनकी गैलियां धोखा कर रही है। पूरे प्रदेश के सेक्टरों की एनहांसमेंट की रिकैलकुलेशन हो रही है लेकिन सेक्टर 29 पार्ट 1 और 2 की नहीं हुई है। इस दौरान सेक्टरवासियों ने स्टेट ऑफिसर हुड्डा विभाग से ज्ञापन सौंपा जिस स्टेट अधिकारी ने उन नेतावले रिकैलकुलेशन करने का आश्वासन दिया। तब वहीं भीम राणा ने कहा कि अधिकारियों का तेनू कहना है कि एलओसी उन रिपोर्ट नहीं दे रही है जहां तक रिकैलकुलेशन नहीं होने लग रही है। यो सरकार का मामला सर, यो ताबड़ा ही निपटाया जाएगा। प्रदर्शन है ये अनाउंसमेंट को लेकर ही है मेन मुद्दा। वैसे तो मुद्दे हमारे बहुत कुछ हैं, इसमें एक तो जो सेक्टरों की रिकैलकुलेशन की है वो गलत की है, उसके बारे में हम बार बार स्टेट ऑफिसर से मिलते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर उडारो तक से भी मिले हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो अनाउंसमेंट है, सबसे पहले 29 सेक्टर में ही आई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, सबसे पहले हरियाणा में। आज उन्हीं सेक्टरों में रिकैलकुलेशन ही कर रहे हैं, बड़ा विडंबना है, बड़ा अचरज की बात है कि स्टेट ऑफिसर कह देता है कि मेरे को एल ऑफिस से रिपोर्ट नहीं मिल रही। एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस में इसके रिगार्डिंग मीटिंग भी रखी गई है और जो भी स्टेटस है जिनकी अनाउंसमेंट कैलकुलेशन कर दी गई थी ऑफिस द्वारा और जो बची हुई है उसका स्टेटस अपडेट किया जाएगा। जहां भी हमें दिक्कत महसूस हो रही है वो भी अपडेट किया जाएगा। उसके बाद 26 तारीख को भी हेड ऑफिस ने भी इसके रिगार्डिंग अपडेशन मांगा गया सारा, सभी जोन से स्टेटस रिपोर्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब द्वारा। तो
मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो जाएगा। अरगाब युवा ने नशे से दूर रखने खातर खोज अभियान शुरू करा गया। इस अभियान के तहत रोहतक जिला प्रशासन अगले दो दिन ताई सारी दवाइयां की दुकानों की जांच करेगा, न्यू बेरा लगाएगा। किस दुकान पर कोई प्रतिबंधित दवाई तो नहीं भी करी, तो वहीं बढ़ते नशे ने देखते हुए जागरूकता कार्यक्रम के तहत जगह जगह सेमिनार भी आयोजित करे जा रहे हैं। इन सेमिनारा के माध्यम से नशे के आदि लोगों की काउंसलिंग करी जाएगी। तो वहीं रोहतक के महारानी किशोरी जाट कन्या कॉलेज में भी सेमिनार का आयोजन कराया गया। इस दौरान रोहतक के उपायुक्त आर एस वर्मा और अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल नशे के खिलाफ लोग जागरूक करे। तो आप जुकर देख सको सो के चौगड़ते तक खबर आने लग रही है कि नशे की गिरफ्त में इस प्रदेश का युवा होने लग रहा है। उसने देखते हुए रोहतक में भी नशे के खिलाफ जो से सेमिनार का आयोजन करा गया और एक अभियान भी चला गया, जिसके तहत जो युवा से हुए जागरूक करे जाएंगे और इसकी गलत दुकाना का भी जो से निरीक्षण करा जाएगा कि किस दुकान पर नशे की दवाई तो नहीं बिकन लग रही सर, युवा इस तरह बिगड़ते नहीं लागन लग रहे सर। हमारी हरियाणा सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है और जिला स्तर पर आपका ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाने के साथ साथ जिले में जितने भी इस प्रकार के अवैध कारोबार करने वाले हैं उन पर शिकंजा कसा गया है और इसी के तहत हमारे जितने जिले में केमिस्ट और अन्य दवा विक्रेता केंद्र हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। अगले दो दिन में पूरे जिले में सभी दुकानों को खंगाल कर ये देखा जाएगा कि कोई नशे की दवाइयाँ गोलियाँ जो आपका प्रिस्क्रिप्शन से बाहर की हो ना बिके। और ये सरकार द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सारा का घना स्वागत है। तो चलो बड़ा खबरा की ओर। खेल की दुनिया में रोहतक का एक और सितारा चमक्या है। रोहतक के बोरगाम के 13 साल के वंश नांदल ने देश में टेनिस टीम में अपनी जगह बनाई है और बेटे के देश की टीम में चयन होने पर परिजन और कोचा ने भी अपनी खुशी जाहिर करी से। देखो कि मैं कहने लग रही है रोहतक के लाल ने एक और कमाल कराया है। रोहतक के बोर गांव के रहने वाले वंश नांदल ने भारतीय टेनिस टीम में जगह बनाई है। बता दें कि वंश नांदल का चयन वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में हुआ है। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में मार्च में होगा। मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में हुआ जो कि अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, यो जो कि 28 मार्च से 5 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में होने वाली है। मैं देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतना चाहता हूं और सभी बड़ी चैंपियनशिप्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं देश के लिए। वंश के पिता किसान हैं, फिर भी अपने बेटे के शौक और जुनून ने पूरा करने खातर उन्हें हर डाल तक वंश से सपोर्ट करा है, जिसका परिणाम है कि आज उनका बेटा पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने लग रहा है। टेनिस का एक जुनून है इसके अंदर, ये दिन रात सिर्फ टेनिस के बारे में भी सोचता रहता है। तो बेटे से क्या उम्मीद देश और प्रदेशवासियों को? बेटे से यही है, जो आज तक इंडिया में ग्रैंड स्लैम नहीं आया है, बेटे की यही कोशिश रहेगी कि ये मतलब देश के लिए ग्रैंड स्लैम जीत कर आए। इससे पहले अभिसनन ने खिलाड़ी ने कई मेडल जीते हैं। वंश ने अंडर 12 में इंडिया नंबर 1 रहते हुए साउथ एशिया काठमांडू में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद अंडर 14 SGFI में गोल्ड मेडल जीता। इब वंश नांदल ने देश के टेनिस टीम में जगह बनाई से और पूरे देश ने इबुन तक खड़ी उम्मीद से आगे भी वे मेडल जीत के भारत की जोड़ी न भरेंगे। हरियाणा न्यूज खातर रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट। पलवल में एक पुलिसकर्मी ने हथी नगर पालिका के चेयरमैन की गाड़ी रोकना महंगा पड़ गया। हथी ने नाज मंडी के गेट पर तैनात बलदार ने जब नगर पालिका चेयरमैन और उसके भाई की गाड़ी रोकी तो दोनों की गेल्या जो बलदार से वो मारपीट करने लग गया और जिसका वीडियो जो से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मामले में पीड़ित बलदार ने लिखित तो शिकायत हथीना थाना पुलिस से भी दी से, तो तस्वीर के जरिए भी देख सको सो कि किस डाला जो नगर पालिका चेयरमैन ने जो बलदार से वो धमकाने लग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में धक्का मुक्की होने लग रही। हालांकि कुछ पुलिस ये भी देखे जो बीच बचाव करने लग रही है।
मेरी जो वीआईपी ड्यूटी लगी हुई थी हथीन अनाज मंडी के गेट पे, तो वहाँ क्या नाम है गाड़ियों का जाना बंद था, पैदल ही आदमी वहाँ से जा रहे थे। तो सुमित नगर पालिका का चेयरमैन, उसका भाई विनीत और एक सिकंदर जो उनका ड्राइवर था, गाड़ी को ज़बरदस्ती अंदर लेकर जा रहे थे। हमने गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया तो उन्होंने हमारे साथ गाली, मेरे साथ और मेरे और मुलाजिम के साथ गाली गलौज करी और बदतमीजी करी। सुमित ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और क्या नाम है सिकंदर ने मुझे पीछे कान पर थप्पड़ मारा और मेरी सरकारी ड्यूटी में मुझे बाधा करी और कहा कि आज तो प्रोग्राम खत्म हो जाने थे, उसके बाद तुझे देख लेंगे, और मुझे जान से मारने की कोशिश करी। पानीपत में पहले ईसा डायग्नोलॉजिस्ट लैब खोलने जा रही है जिसमें सारे टेस्ट 5 रुपये में होंगे। इस बात की जानकारी ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा ने दी। उन्होंने बताया कि 500 गांव के लोग इस सुविधा का फायदा उठा सके हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का बजट पास हो रहा है और एम्स के अधिकारियों की गला 6 मार्च ने इस पर फाइनल मीटिंग होने वाली है।